The next is the sliding filament theory. What is this theory? Yesterday we talked about the structures of actin and myosin, and day before yesterday we talked about the structure of the sarcomere, right? कला भी हमें पता चल गया एक्टिन मायोसिन कैसा नजर आता है. सेकेंडली हमें साथ में ये भी अंडरस्टैंड हो गया कि सार्कोमेयर में किस तरह से ये दोनों आपस में अरेंज्ड है. वी नो दैट द एंड्स ऑफ द मायोसिन आर ओवरलैप्ड बाय द एंड्स ऑफ द एक्टिन ऑल्सो. ठीक है, ये क्लियर है. अब हमें सार्कोमेयर इज ऑल क्लियर था. ठीक है, उसी के साथ चलना है हमारा ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. व्हाट डज दिस से स्लाइडिंग फिलामेंट? फिलामेंट इज दैट ऑफ, कहाँ पढ़ा ये फिलामेंट वर्ड आपने पहले? एफेक्टेंस, है ना. एफेक्टेंस आर द फिलामेंटस एक्टेंस जो क्या बनाते हैं. व्हाट डू दे मेक? दे मेक द एक्टिन मॉलिक्यूल्स, एक्टिन प्रोटीन बनाते हैं. एफेक्टेंस दो रोप लाइक स्ट्रक्चर जैसे मिल जाएंगे तो एक्टिन का मॉलिक्यूल बनाएंगे. और एक्टिन जो है दैट इज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर देन वी कैन सी. ठीक है, नाउ फिलामेंट की स्लाइडिंग होनी है, यानी कि फिलामेंट ने मूव करना है अंदर या बाहर. स्लाइडिंग किसकी होनी है? सिर्फ एक्टिन की. मायोसिन जो है वो बीच में स्टिफ है, वो बीच में पड़ा है. उसके जो हमने कल किए थे ना स्ट्रक्चर, शॉर्ट आर्म आ जाती है, ऊपर हेड आ जाता है. ठीक है, कल जो स्ट्रक्चर किया था टेल इज देयर, शॉर्ट आर्म एंड द हेड, तो वो हेड की मदद से स्लाइड करवाएगा एक्टिन को. ठीक है, समझ आया. पर अब वो सारी चेंजेस आती कैसे है? स्लाइड तो करवाएगा, कंट्रैक्शन देगा, सुनने में कितना ईजी है, लेकिन ये अंदर हमारी बॉडी में होता कैसे है? दैट इज नाउ द क्वेश्चन, एंड दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस थ्योरी. इट इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. Now to describe this, starting with the sliding filament theory, सबसे पहले तो इसका सिग्नल प्रोड्यूस होगा. हमें पता है हर काम जो है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रही है. सेम वे में यहाँ पे भी ब्रेन ही कंट्रोल करती है ये सारे कामों को. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? बिफोर दिस, मतलब ये फिलामेंट थ्योरी से पहले, थ्योरी का पार्ट नहीं है ये, जनरेशन का पार्ट है. इसमें दो क्वेश्चन कवर होते हैं आपके, मैं बताऊंगी अभी आपको. सो सबसे पहले क्या है, हमारी जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, न्यूरो मीन्स योर न्यूरॉन्स, ठीक है, मस्कुलर मीन्स द मसल्स. Means what? Let's say this is the muscular band, है ना? You can see the muscular band, right? The neurons, they are attached to all the organs of our body with the help of the nerve endings. ठीक है? So जो neuron का structure है, that is having these type of the neuron nerve endings here, which is attached over it. ठीक है? So this provides a junction, that is the neuromuscular junction. Getting? ये वाला पार्ट क्या है? इट इज अ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. जंक्शन मीन्स नर्व एंडिंग्स और मसल्स, जहां दोनों इकट्ठी ऐसे कंबाइन हो रही है. एक नर्व एंडिंग है, ये नॉबलाइक स्ट्रक्चर, ये नर्व एंडिंग है, ये क्या है? मस्कुलर बैंड. ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए इस तरह से. जब भी ये दोनों कंबाइन हो गए वहां पे ये जंक्शन को हम बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. डन. दिस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ब्रिंग्स अ सिग्नल ऑफ कंट्रैक्शन फ्रॉम द ब्रेन. Now when you are like, आप लोग को लिखना है ना, आपके हैंड्स लिख रहे हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा है उस समय में, ये कह रहा है कि आपको ये वर्ड्स लिखने हैं. यू आर नॉट रिकॉलिंग इट बैक कि ए कैसे लिखना है, ई कैसे लिखना है, है ना. आपका फ्लो चलते जा रहा है बिकॉज यूर थिंग्स आर ऑल बीन कोऑर्डिनेटेड एंड एट अ वेरी फास्ट स्पीड ये सारा काम होता है ना. ये जो हमारे पास सिग्नल्स आते हैं ना, दे आर वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लेते हैं. ठीक है, तो जब ये सिग्नल हमारी मसल्स में आ रहा है और हम अपने हाथ चला रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसे मैं बोल रही हूँ तो मैं सोच सोच के थोड़ा ना बोल रही हूँ कि मेरे को अब क्या बोलना है. ठीक है, या समथिंग लाइक मुझे ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है या मुझे ये वर्ड कैसे बोलना है. आई एम नॉट मेकिंग द पॉजेज इन बिटवीन. माई मसल्स दे आर वर्किंग फॉर मूविंग माई हैंड, फॉर राइटिंग, फॉर स्पीकिंग. ऑल माई मसल्स जो इन्वॉल्व हो रही है दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ द ब्रेन, क्योंकि मेरी ब्रेन ये सोच रही है कि मुझे ये कंसेप्ट समझाना है. समझ आया? My brain is at this time, it is trained to say that मुझे ये वाला step समझाना है, and so I am doing it. ठीक है, so this is the neuromuscular junction. ठीक है, ये signals हमारे काम करते हैं. इतना तो पता है ना. अब आपकी brain इस time क्या कर रही है? मेरे को सुन रही है, मेरे words सुन रही है, catch कर रही है, उसको grasp कर रही है, समझ रही है. ठीक है, आपकी वो ट्रेनिंग चल रही है, मतलब आपकी ब्रेन की वो ट्रेनिंग चल रही है. मेरी ट्रेनिंग क्या चल रही है? मेरे को बोलना. समझ आया? ठीक है, सो दीज आर द सिग्नल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय योर सीएनएस, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम.
Now the signal for the muscle contraction, because I have to write also and I have to speak also. ये coordination है मेरी, है ना? ये brain ने क्या किया? मुझे वो signals भेज रही है मेरी muscle cells की तरफ कि अब इनको साथ साथ में contraction देना. Whatsoever the action I'm thinking of and I'm doing it. Whatsoever the actions I'm thinking of, I'm creating it. है ना? So ये क्या है? This is a signal passing from the neuron. When it comes into the muscular band has to contract. कंट्रैक्शन के लिए इसको थोड़ी सी पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है. व्हाट द प्रिलिमिनरी प्रिपरेशंस इट हैज टू डू. सबसे पहले इस जंक्शन के ऊपर सिक्रीशन आती है. जैसे ही सिग्नल प्रोड्यूस हुआ कंट्रैक्शन का, साथ ही यहाँ पे सिक्रीशन आती है एसिटोकोलाइन नाम के केमिकल की. एट दिस जंक्शन बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से सिग्नल विच इज बीन प्रोड्यूस्ड, इम्पल्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे यहाँ पे इस जंक्शन के ऊपर एक केमिकल सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटोकोलाइन. एसिटोकोलाइन, एसिटीनी, एसिटोकोलाइन. हाँ जी, हाँ हाँ हाँ. न्यूरॉन के जो सिग्नल्स भी है ना, वो दो तरह के हैं. एक तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, एक केमिकल इंपल्सेस है. ठीक है, तो ये केमिकल, उसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर, आपने स्ट्रक्चर नहीं ना किया उसका, न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरोन का. न्यूरॉन्स के अंदर जब साइनैप्स होती है, इतना तो शायद कहीं पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, जो नर्व एंडिंग और जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जब साइनैप्स होती है, तो यहाँ पे नर्व एंडिंग के अंदर होते हैं छोटे छोटे पैक्ड स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, तो ये एसिटोकोलाइन वहां से आती है. ये एसिटो है कि एसिटेल है, ये चेक कर लेना. एसिटोकोलाइन है. ठीक है, तो दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दैट ब्रिंग्स दिस पर्टिकुलर केमिकल ऑन दिस जंक्शन. ठीक है, क्लियर, डन, इतना हुआ. ठीक है, अब इस केमिकल ने चेंजेस क्या लेके आने हैं. आपको याद है मैंने आपको सबसे पहले एक बात बोली थी कि देयर इज अ हब ऑफ द कैल्शियम आयंस. व्हाट इज दैट, व्हाट इज कॉल्ड एज द हब ऑफ द कैल्शियम आयंस इन दिस. यस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस मसल सेल्स के अंदर का ईआर जो है. ठीक है, उसके अंदर क्या था, कैल्शियम आयंस, और वो हब है. हब का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर स्टोर्ड पड़े हैं. ठीक है, जब ये वाला केमिकल मिला, वहां से ईआर में से वो कैल्शियम आयंस रिलीज आउट होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, सो इसका अगला चेंज क्या है, ये सारी प्रिलिमिनरी चेंजेस है, अभी स्लाइडिंग शुरू नहीं हुई. ठीक है, स्लाइडिंग होगी तो मैं इधर एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, ये उससे पहले की चेंजेस है. सो पहले तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर सिग्नल आता है, सिग्नल ने एसिटोकोलाइन यहाँ पे सिक्रीट करी. ठीक है, देन उसके बाद आफ्टर दिस दिस इज गोइंग टू सिक्रीट आउट और रिलीज आउट द सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लिख दो, या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट सिक्रीट्स और रिलीजेस द कैल्शियम आयंस. ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट रिलीजेस आउट द कैल्शियम आयंस. अब इन कैल्शियम आयंस का भी रोल मैंने बताया था पहले, क्या होता है वो, तो कॉन्ट्रैक्शन तो उसका अल्टीमेट रोल है ना. स्टार्टिंग क्या करता है, मैंने बताया था. हाँ, ट्रोपोनेंस के ऊपर जो मास्किंग हुई थी हमारी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर, उसको ये हटाएगा. ठीक है, मतलब क्या है, ये जो कैल्शियम आयन है ये अनमास्क कर देगा. अनमास्क द और रिमूव्स द मास्किंग ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो, अनमास्क द एक्टिव साइट्स मायोसिन बाइंडिंग साइट्स. ठीक है, अनमास्क द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स फ्रॉम एक्टिन. Binding sites from actin. Actin से myosin binding sites को ये unmask कर देगा. किसके ऊपर? Troponins के ऊपर. Troponin के ऊपर ही थी ना वो myosin binding site, कहाँ पे थी? That is from actin. Actin के ऊपर भी कहाँ पे थी? Troponin के ऊपर. तो troponin लिख दो या actin लिख दो, वैसे better है troponin लिख दो. ठीक है, troponin is better. To write as troponin, it is better. So this unmasks the myosin binding site from the troponin, which is present on the actins. ठीक है, अब वापस उसका structure अगर आप याद करो, तो हमने एक तो effectins बनाए थे ये ऐसे, है ना, एक के साथ साथ चलती हुई हमारी क्या थी, ये darker वाली. दूसरी protein कौन सी थी? इसी में ही actin के अंदर, tropomyosin. ठीक है, ट्रोपोमायोसिन थी. ठीक है,
साथ में इसके साथ जुड़े हुए थे कम्प्लेक्सेज एट रेगुलर इंटरवल्स दैट ऑफ द ट्रोपोनिन्स, कुछ ऐसे ठीक है, यहाँ वहां कहीं कहीं पे एट रेगुलर इंटरवल्स ट्रोपोनिन्स वर आल्सो एसोसिएटेड। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही हमारी अनमास्किंग हो गई, दूसरी चीज क्या है, इसके नीचे यहाँ पे पड़ी है मायोसिन, ऐसे है ना, मतलब इसको ओवरलैप कर रही है तो यहाँ पे भी एक लगा दो ट्रोपोनिन, यहाँ पे भी पड़ा। ठीक है, अब ये नीचे पड़ा है मायोसिन, ऊपर है ये सारा एक्टिन, एक्टिन के पास है ट्रोपोमायोसिन एज वेल एज दीज ट्रोपोनिन। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इसकी साइट ट्रोपोनिन की एक्टिवेट हो जाती है, यानी मायोसिन को बाइंड करना, सिग्नल मिल गया ना कि मायोसिन को बाइंड करो, अगर तो इसको फेस कर रही है तो इजी है ना, अगर तो फेसिंग है तो इजी है, नहीं है तो क्या होगा, ये जो ट्रोपोमायोसिन का बैंड है ना, ये रोटेशंस दे देता है ऐसे, मतलब इसी को घुमा देगा ऐसे, ट्रोपोनिन को पास ले आएगा बाइंड करवाने के लिए, समझ आया। ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू मूव हेयर एंड देयर एनीवेयर, अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये इस तरह से एक रोल है, ये रोल ऐसे घूम जाएगा ताकि ट्रोपोनिन जो है वो मायोसिन की तरफ आ जाए। ठीक है, अगर तो पास है तो ठीक है, नहीं है तो दूर वाली को रोटेट करके ले आए, डन, क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ट्रोपोनिन्स के सामने आ गया हमारे पास मायोसिन बैंड, इसके ऊपर लगे हैं ग्लोबुलर हेड्स, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था ना हमने उसे। ठीक है, सो ये दोनों अभी कॉम्बिनेशन में आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मायोसिन का बाइंडिंग साइट एक्टिव है, यहाँ एक्टिन का बाइंडिंग साइट ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, सिर्फ एटीपी ने आके जुड़ना है, एक्टिन साथ ही एक्टिवेट हो जाना है। याद है आपको ग्लोबुलर के अंदर भी हमने दो चीजें बनाई थी, एक थी यहाँ पे दो ग्लोब्यूल्स थे अगर ऐसे, तो एक एक्टिन बाइंडिंग साइट्स और दूसरी क्या थी यहाँ पे, एटीपी बाइंडिंग साइट्स। तो यहाँ पे एटीपी आके जुड़ेगी, एनर्जी रिलीज करेगी, जिसकी मदद से ये ऐसे क्रॉस ब्रिज बनाएगा, डन। अभी के लिए क्या हुआ कि सबसे पहले ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिवेट होगी, डन। द नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यूज विद द स्लाइडिंग फिलामेंट, क्योंकि अब यहाँ पे जाके क्रॉस ब्रिजेस बनने हैं, मायोसिन की साइट एक्टिवेट कर दी, वो भी साथ ही जुड़ेंगे ना, वो किसी ना किसी, क्योंकि ये बैंड कंटिन्यूड है, बीच बीच में से ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, तो किसी ना किसी के साथ तो जुड़ते जाएंगे ना ऐसे, तो अगर प्रॉपरली, जैसे अगर ट्रोपोनिन्स बिल्कुल ही आउटवर्ड्स हैं, ना ऊपर है ना नीचे है, फिर थोड़ा ना कॉम्बिनेशन हो पाएंगे, है ना। मींस आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग कि ट्रोपोनिन्स जहां पे भी है उनको जस्ट वो मूव करवा देगा, ताकि इनकी मैक्सिमम बाइंडिंग्स पॉसिबल हो जाए। ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे ऐसे बनाया ना, एक दो तीन बना रही है, पर वहां पे ट्रोपोनिन्स की अरेंजमेंट कुछ और है। ठीक है, इट इज सेपरेट ऑल ओवर द स्ट्रैंड एसोसिएटेड विद द ट्रोपोमायोसिन एज वेल। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ इतना पहले, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिवेट हो गई। ठीक है, अब इसने बाइंड करना है किसके साथ, एक्टिन के साथ, लेकिन कैसे करना है, दैट इज स्टेटेड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट। अब यहाँ पे एक है हमारे पास मायोसिन का बैंड, राइट, ये थोड़ा ऊपर बना देती हूँ मैं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होगा, आप अपना हाफ द पेज ऑलमोस्ट लेके चलना, ठीक है, फॉर दिस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो दिस इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, देन स्टार्ट्स विद द एक्टिवेशन ऑफ द, पहले तो हुआ मायोसिन का एक्टिवेशन, मायोसिन बाइंडिंग साइट का, अब स्टार्ट होगा एक्टिन बाइंडिंग साइट का एक्टिवेशन, है ना, उसकी साइट एक्टिवेट होगी तो क्रॉस ब्रिज बनेगी। तो कैसा था हमारे पास स्ट्रक्चर, सिंपल, ये मायोसिन बैंड है, सॉरी मायोसिन का पूरा स्ट्रैंड है, ठीक है, रनिंग पैरेलल टू द एक्टिन्स, राइट, सो दिस इज द थिक बैंड दैट ऑफ मायोसिन प्रोटीन, एंड फ्रॉम इन बिटवीन राइजेज आउट द हेड्स, दैट इज द शॉर्ट आर्म्स अलोंग विद द ग्लोबुलर हेड्स, समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा ही होगा। कंटिन्यूइंग द लेंथ अगेन, ठीक है, डन, क्लियर। इसके ऊपर क्या थे हमारे पास, दैट आर द एफेक्टेंस, दोबारा आप पूरा स्ट्रक्चर बना सको तो वो बना लो, नहीं तो ऐसा शो करने के लिए वही, जैसे हाइपोथेटिकली पहले आपने सार्कोमेयर के साथ बनाया था वैसा बनाना चाहते हो तो वैसा बना, थोड़ा दूर बनाना, ऊपर बिल्कुल उसके पास ना आ जाए, थोड़ा दूर बनाना, क्योंकि रेज करके पास करेंगे हम इसको। ठीक है, सो दिस इज द एक्टिन मॉलिक्यूल्स, बट दीज हैव बीन एक्टिवेटेड, ठीक है, एट द सेम टाइम दीज हैव बीन एक्टिवेटेड, वो सारी प्रोसेसिंग के साथ, क्लियर।
इनिशियली दीज ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स द हेड्स दे हैव द एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि ये एक्टिवेटेड नहीं है इसलिए ये भी नीचे है हेड्स उसके, है ना, एक्टिन बाइंडिंग साइट अभी एक्टिवेटेड नहीं है ना, इसलिए हेड जुड़े नहीं है, अभी जुड़ेंगे, क्रॉस ब्रिज बनेगा जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, पर इसको एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स को एक्टिवेट करने के लिए एटीपी आके जुड़ेगी तो एनर्जी रिलीज करेगी तो यहाँ पे एक्टिवेशन बनेगी, समझ गए। तो अब इस साइट पे क्या होता है, इस साइट पे बाइंडिंग हो जाती है एटीपी की, एटीपी गेट्स बाइंडेड, बाइंडिंग हो गया, ये साथ में बनाई थी ना एटीपी बाइंडिंग साइट, स्ट्रक्चर देखो मायोसिन वाला, उसमें टॉप पे हेड्स के टॉप पे बनाई थी हमने एक्टिन बाइंडिंग साइट, साइडों पे बनाई थी एटीपी बाइंडिंग साइट बनाई थी, ठीक है। तो वहां एटीपी बाइंडिंग साइट पे पहले आके एटीपी लगेगा, पहला स्टेप ये, पहले बाइंडिंग एटीपी की होगी, जब एटीपी बाइंड हो गई तो एटीपी ने ब्रेक डाउन हो जाना है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑल्सो रिलीजिंग आउट मच ऑफ द एनर्जी, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, क्यों, क्योंकि अब एनर्जी चाहिए है इस क्रॉस ब्रिज को बनाने के लिए, एटीपी टूटेगा एनर्जी मिलेगा और वो एनर्जी कंज्यूम होगा फॉर दिस मस्कुलर वर्क, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आईपी, आई इज स्मॉल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस इज स्मॉल आई कैपिटल पी, स्मॉल आई कैपिटल पी, डन, ओके टिल नाउ फाइन। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज, ये पूरा मायोसिन बैंड है, ठीक है, ये पूरा मायोसिन है। नेक्स्ट इज बाइंडिंग ऑफ एटीपी होने के बाद, अब यहाँ पे क्योंकि एनर्जी मिल गई इसको तो क्या होगा, जब ये वाली साइट्स एक्टिवेट हो गई हैं तो अपने आप एक्टिन बाइंडिंग साइट्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, जब एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिवेट हो गई तो क्या होगा, क्योंकि इसके पास फुल ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से द हेड्स विल बी रेज्ड अप, ठीक है, बाइंडिंग विद द ट्रोपोनिंस, जो भी मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, ठीक है, सो बाइंडिंग विद द ट्रोपोनिंस फर्दर। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, दिस इज बाइंडिंग, अब इसको नाम दे दो इस स्टेप को बाइंडिंग और फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। तो आप इसको तीन स्टेप्स में कवर करोगे, पहला तो आपने ये बाइंडिंग तो दिखाना ही है, शो करना है एक्टिवेशन के लिए, दिस इज एक्टिवेशन, इस पॉइंट में लिख ही दो, चार स्टेप्स बनेंगे इसके साथ, फिर फर्स्ट इज एक्टिवेशन, सेकेंड विल बी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ वॉट, दैट इज द क्रॉस ब्रिज, ठीक है। सो अब उसके लिए फिर से हुई, दिस इज द मायोसिन बैंड एंड द एक्टिन्स, ये आपको हर बार बनाने पड़ेंगे हर स्टेप शो करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर अगेन द एक्टिन मॉलिक्यूल्स, नाउ द एक्टिन मॉलिक्यूल्स विल बी अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ दीज ग्लोबुलर हेड्स दैट विच फॉर्म्स द क्रॉस ब्रिज, ये देखो अटैचमेंट हो गया, ठीक है, हम तो फेक इधर उधर कहीं पे भी इसकी अटैचमेंट कर रहे हैं ना, शो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज एटीपी के साथ बाइंड कर रहा है, उसके ऊपर ट्रोपोनिन नहीं है, वही बता रही हूँ, आप इसमें इतना माइन्यूट नहीं चल सकते हो ना, इफ यू कैन इट इज वेरी गुड, है ना, अदरवाइज एटलीस्ट रिप्रेजेंटेटिव तो हम लोग दे ही देंगे। सो दिस इज वॉट, दिस इज अ क्रॉस ब्रिज हैज बिन फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉस ब्रिज, डन, मायोसिन के ऊपर। अब ये सेकेंड स्टेप बनेगा एक्टिवेशन के बाद, दैट इज अ फॉर्मेशन, सेकेंड इज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ वॉट, क्रॉस ब्रिज, डन। अब इसके बाद क्या होगा, दिस इज गोइंग टू पुल इट इनवर्ड्स, है ना, दैट इज स्लाइडिंग, स्लाइड करेगा, ठीक है। सो फॉर्मेशन के बाद स्लाइडिंग आ जाएगी, फॉर्मेशन, और यू मे ऑल्सो राइट दिस एज रोटेशन, ठीक है, इसको रोटेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये रोटेशन ऑफ द एक्टिन मॉलिक्यूल्स ओनली हेल्प्स इन फर्दर स्टेप, ठीक है, सो दैट इज रोटेशन कह सकते हैं, नहीं तो स्लाइडिंग इज अ बेटर वर्ड, क्योंकि वो स्लाइडिंग रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन दिस इज अगेन अ मायोसिन बैंड, द सेम मायोसिन बैंड, ये जो हमारा चल रहा है, ठीक है, एंड अब इसके जो हेड्स हैं वो पीछे की तरफ आ गए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, पीछे मोड़ दिए ना हमने, पहले ऐसे थे हल्के, फिर सीधे हुए, अब ये पीछे आ गए,
ठीक है। सो अब ये पीछे की तरफ आपने बना देने समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड दे आर पुलिंग डाउन, पहले ये देखो एक्टेंस यहाँ पे थी, पूरी पूरी ऊपर ऊपर बना दी आप, ठीक है। अब आपने थोड़ी सी साइड वर्ड्स बना देनी क्योंकि ये खिसक गई, ठीक है, क्योंकि पीछे पुल हो रही है ना, तो इसीलिए आपको इसको भी थोड़ा शो करना पड़ेगा दैट इट इज ऑल्सो बीन पुल्ड टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। और इसके साथ जोड़ के रखना है, तोड़ना नहीं है, अभी भी इसको हेड्स के साथ जोड़ के रखना है, ठीक है। जो ग्लोबुलर हेड्स हैं इनको एक्टिन के साथ जोड़ के रखना है। हाँ जी, गेटिंग एनी डिफिकल्टी? इफ यू आर हैविंग यू कैन प्लीज आस्क। हाँ जी, गेटिंग? दैट इज पुल्ड इनवर्ड्स ना, इफ यू कैन मेक इट लाइक पूरा ऐसे पुलिंग हो गया अंदर की तरफ, एक्सप्रेशन अच्छा लेके आ सकते हो डायग्राम में, देन दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड। सो वट इज दिस? दिस इज द थर्ड, नाउ द थर्ड स्टेप, सेकेंड, this is step number 3, that is sliding. Now the things are being slided and because of this there will be the contraction of the muscle as well. Okay, getting done? अब जब तक ये स्लाइडिंग हुआ है तब तक के लिए रहना है जब तक अगला एटीपी मॉलिक्यूल आके इसको छोड़ नहीं देता, मतलब क्या है इसका कहने का। अब हमारे पास, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, ये मैंने मुट्ठी बंद करी, ठीक है, दिस इज माय फिस्ट, राइट, माय मसल्स आर ऑल बीन स्ट्रेच्ड एट दिस टाइम, है ना, कॉन्ट्रैक्शन दे रही है, ये रिलैक्स तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्शन देती है। अब इसको कितनी देर के लिए ऐसे स्टिफ रख सकते हो, कितनी देर के लिए? एक टाइम आएगा स्लाइडिंग, एक टाइम आएगा आपकी ये जो हाथ सो जाता है या ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है ना, तो आप लोग को हैवीनेस फील होना शुरू हो जाता है and you leave, you want to leave this now again, ठीक है, वापस आपको इसको रिलैक्स करना पड़ेगा और आपके हाथों में वो सुन करके थोड़ी सी झंझनाहट सी एंड एवरीथिंग वो फीलिंग आती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड फ्लो एज वेल एज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दैट यू हैव जस्ट कंजस्टेड फॉर सम टाइम, ठीक है, आपने इसको रोक के रखा हुआ है ना। हमारी एटीपी तब तक, जब पहले देखो टूट गई थी एटीपी ऑलरेडी, वहां पे जब लगी उसने एनर्जी रिलीज किया, अब तब तक के लिए जब तक हम खुद नहीं अलाउ करते ये वापस रिलैक्सेशन नहीं आएगी, ठीक है, फॉर द वंस जो वॉलंटरी एक्शन है, फॉर द वंस जो ऑलरेडी इनवॉलंटरी है उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टाइमली देते रहने, जैसे हमारा हार्ट बीट है ना, उसमें कार्डियक साइकिल जो है वो अगर 0.8 सेकंड्स लेता है वन साइड अगर कंप्लीट करने में, तो 0.8 सेकंड के बाद वो वापस फिर से दोबारा शुरू करने को है, मीन्स उसने वापस 0.8 सेकंड्स के बाद रिलैक्स होना है। याद है ज्वाइंट डायस्टॉल हमने किया था 10th में, ज्वाइंटली डायस्टॉल मीन्स दोनों रिलैक्स होंगे, जैसे ब्लड आया फिर वो वेंट्रिकल बंद हो जाता, अब ये लंबे समय के लिए बंद नहीं रह सकता है ना, दिस इज ऑलरेडी मेंटेन्ड इन द ब्रेन सिस्टम, उसने क्या है सिग्नल फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देते रहना, डन है। इनवॉलंटरी एक्शंस तो प्रॉपरली टाइम सेट है, इतने में यही होना है ना, इतने में ऐसे ही होना, इसके बाद ऐसे ही होना, वो तो हमारी ऑलरेडी सेटिंग्स हुई हुई है, लेकिन जो कंट्रैक्शंस हम भी दे रहे हैं वो हमारी अपनी कंट्रैक्शंस, उनको भी हम बहुत ज्यादा समय के लिए कंट्रैक्ट नहीं रख सकते। अब अपनी बाजू को ऐसे फोल्ड करके रखी रखो, अभी रखी रखो, थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ी देर में आप खुद ही थक जाते हो एंड यू चेंज योर पोज, है ना, यू चेंज योर पोज, है ना, आप अपने पोज वगैरह चेंज कर लेते हो, बैठे बैठे भी अकड़ जाते हो, कभी इधर बैठते हो कभी उधर बैठते हो, है ना। सो ये चीजें क्या है, दैट इज योर बॉडी सिस्टम्स इंटरनल चेंजेस, दे रिक्वायर समथिंग चेंज लाइक, है ना, देन ओनली यू विल फील दैट। अगर आप वॉलंटरी एक्शन में भी इसको पकड़ के रखो तो भी, अगर नहीं भी, अगर ये अपने आप चल रहा है तो भी, बोथ द सीन्स में ये टूटना है ही, पकड़ी तो रखेंगे नहीं इसको जिंदगी भर, है ना, ये कनेक्शन ऐसा ही बना नहीं रहेगा, फॉर हाउ लॉन्ग वी कैन, फॉर 1 आवर, 2 आवर, 10 आवर्स, 24 आवर्स, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, कितनी देर ज्यादा से ज्यादा फिर छोड़ना है, ठीक है। और ये ब्रिज तब टूटेगा जब वापस एटीपी का मॉलिक्यूल आके इसको जुड़ जाएगा, ठीक है, वापस आके जुड़ेगा नहीं मतलब वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, अभी तक तो उसने एनर्जी रिलीज किया खुद की तोड़ने से, अब वापस रीबिल्ट होके एटीपी का मॉलिक्यूल इसके साथ आके लग जाएगा, तो ये वापस फिर से अपना ये जो हेड है इधर को घूमा है वो वापस फिर से गिर जाएगा बैकवर्ड्स, ठीक है, एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन यानी नॉर्मल पोजीशन, डन। मींस व्हाट, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, सिंपल वे में हम इसको कहेंगे दिस इज ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज। नाउ फॉर ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, दिस इज इट फॉर ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज,
अगेन ये मायोसिन, तो ये फोर्थ स्टेप होगा आपका, एंड द फोर्थ स्टेप इज ब्रेकिंग. दिस ऑल स्टेप्स 2, 3, and 4, दीज ऑल द नेम्स हैव बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द क्रॉस ब्रिज. ठीक है, ओनली वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द साइट्स, एक्टिवेशन ऑफ द साइट. बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको साथ साथ में. ठीक है, सो दिस इज वापिस ये ब्रेक डाउन हो जाना है. तो ब्रेकिंग डाउन में अभी ये ब्रिज जो है ये ऑलरेडी हमारे पास क्रॉस ब्रिज में ही उल्टा पड़ा हुआ है. ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी ये बैकवर्ड्स है. ठीक है, अभी क्या होगा जब इसमें से एटीपी आके जुड़ गया दोबारा फिर से, तो ये क्या करेगा वापिस इरेक्ट, वापिस नीचे, नीचे ये वाला पोजिशन. ठीक है, तो अगर हम इसी को जोड़ रहे हैं तो नीचे वाला शो नहीं कर रही हूं मैं, क्योंकि ये बाद में नीचे आ ही जाएगा. ठीक है, एंड ये वापस क्रॉस ब्रिज वाली पोजीशन इरेक्ट कर दो. ठीक है, मींस इट इज रिवर्टिंग बैक. ठीक है, अब क्रॉस ब्रिज बन नहीं रहा, इसको कंफ्यूज मत कर देना. अगर इतना कंफ्यूजन लग रहा है तो थोड़ा सा इसको नीचे कर दो, टिल्ट कर दो. कंफ्यूज नहीं होना कि इधर भी क्रॉस ब्रिज बन रहा है उधर भी बन रहा है, थोड़ा सा इसको हल्का टिल्ट करके डाउन कर दो और ये बिल्कुल डाउन है. ठीक है, तो इसके कंपेरिजन थोड़ा रेज्ड रहना चाहिए. डन. सो सेम वे all the things they come back to the normal rope like structure, not dna like, something like this again. So this is the actin molecules. Got it? हाँ जी, ठीक है. So यहां पे अब आपने क्या करना है, this is breaking because अगेन नाउ द रिवर्सल ऑफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. पहले क्या हुआ था, एटीपी टूटा था, एनर्जी रिलीज हुआ था. अब यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, एडीपी और वो पीआई दोबारा फिर से जुड़ गए, फॉर्मिंग इसी साइड के ऊपर एटीपी. ठीक है, वापस ये जुड़ जाएंगे जो उधर टूटे थे बने थे, अब ये वापस रिवर्ट हो गए, ये आ गया. ठीक है, एंड हेंस उसका जो लिंक था, क्रॉस ब्रिज था, वो टूट गया. थोड़ा सा हल्का ऊपर बना देंगे एक्टिन तो वो टूट जाएगा. Done, and the last step is that of breaking. So here you will also explain this activation, that is of the actin binding site, how it is being activated. ये सारा कुछ explain करना है first step में. आपको अगर paper में question आता है बच्चे, we are covering here two questions. Listen it very carefully. One question is generation of the impulse for muscular contraction. Generation of the impulse or generation of the muscle contraction. पहला क्वेश्चन. ठीक है, हाउ द मसल कंट्रैक्शन इज जनरेटेड. तो जनरेट का अगर वर्ड आता है हमारे पास, तो हमने इसको स्टार्ट करना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से. ठीक है, क्लियर. ये ऐसे टाइली है, इसको टाई नहीं था, ये टाइली था शायद, चेक कर लेना फिर भी. मेरे दिमाग में कंफ्यूजन चल रही दोनों तरफ, ऐसी टाइल को लाइन है शायद, चेक कर लेना फिर. ठीक है, सो दिस इज द जनरेशन, जनरेशन ऑफ द मसल कंट्रैक्शन. अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जनरेशन में आपने ये पूरा यहां से लेके पूरा बताना है. ठीक है, मसल कंट्रैक्शन भी दिखानी है 3 marks में. दिस डज नॉट इंक्लूड ओनली दिस मच. ओके, ठीक है. व्हाट यू कैन डू इज, आप ये सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं इन कनेक्शन टू ये सारा सर्कल एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ में आपने क्या है इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हो फिर. ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ा थोड़ा हल्का इसका शॉर्ट में कर सकते हो, बिकॉज इट इज ऑल द जनरेशन फॉर द मसल कंट्रैक्शंस. डन. अगर आपको कल्ला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फिलामेंट थ्योरी, द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, फिर आपने कल्ला ये समझाना है बट विद फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन. ठीक है, मीन्स वॉट, आई हैव गिवन यू नाउ अगेन द 4 headings. मैंने आपको 4 headings दी हैं, एक्टिवेशन, फॉर्मेशन, स्लाइडिंग एंड ब्रेकिंग. ठीक है, अब ये 4 headings along with the diagram, along with the description, आपने cover करनी है for 3 marks. ठीक है, so these questions, they do come in 3 marks. Maximum of a question in your paper will be of 3 marks, क्योंकि आपका जो 5 वाला भी होता है वो भी parts में आता है, 3+2, 3+1, 1 ऐसा. ठीक है, maximum marks जो होते हैं question के, question paper में, वो होते हैं 3 marks. ठीक है, और जो minimum रहेगा that can be half even. ठीक है, आधे number का question भी आता है. Other number means we will be giving you 2 answers will be required for 1 mark, means each carries half the number. Okay, so for every type of the question you have to prepare yourself. Now why I am saying these questions, ye question kyun bola maine, ye topic kyun bola saath mein, kyunki aap logon ko jab apne taiyari karni hai na, jab tak aapke mind mein yehi nahi hai ki hame puchhenge kya, hai na, is cheez ka question kaisa aa sakta hai,
इसका मैंने एक्सप्रेशन कैसा देना, मेरा आंसर कैसा होना चाहिए, तब तक के लिए आप ये आंसर्स कंप्लीट नहीं कर पाते और अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते. नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज वी आर ऑलरेडी डन विद टू क्वेश्चंस. ठीक है, यू मेक अ फुल फ्लेज आंसर फॉर दिस. एक पूरा अच्छा खासा बुक्स में से, नोट्स में से पहले से तैयार करके रख लो. जब आपको बता ही दिया कि ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, वो टेस्ट में आए, पेपर में आए, ना आए, वो बात की बात है. यू हैव टू प्रिपेयर द टॉपिक, देन व्हाई नॉट इन द फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन आंसर ओनली, जिसमें अच्छा खासा एक एक्सप्रेशन बनेगा. हम कैसे तैयारी करते हैं बेटा, आप लोग कैसे तैयारी करते हो, बस घर से पढ़ के आते हो, फ्रेमिंग यहाँ सोचते हो, है ना. उसकी वजह से टाइम शॉर्ट होते जाता है, आपका टाइम खत्म होते जाता है पेपर का, टेस्ट का, और आप अभी सोच रहे होते हो कि मुझे और क्या लिखना चाहिए, है ना. अगर पहले से ही हमारे पास प्री फ्रेम्ड होगा कि मेरे को ये चीजें देनी है, ऐसे बताना है, विद डायग्राम देना है, तो हाउ हेल्पफुल इट इज गोइंग टू बी फॉर यू. दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड इन योर असाइनमेंट नोटबुक्स एज वेल, इन योर टेस्ट एज वेल, एंड इन योर एग्जाम्स ऑल्सो. ठीक है, सो फॉर दोज टाइप ऑफ द टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो हमें ऑलरेडी पता होते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन को तैयार करना है. अब यहाँ पे लिमिटेड चार टॉपिक हैं, ले देंगे चारों के ही क्वेश्चन बनने हैं, और क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो डालेंगे ना, कभी टर्म वन में, कभी टर्म टू में, मतलब कभी आपका ये डिसम्बर एग्जाम में, कभी नहीं तो बाद में फेब एग्जाम, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो डलेगा ही ना, है ना. सो इन चीजों को पहले से ही तैयार कर लिया करो जो एज सच डायरेक्ट में क्वेश्चंस जाते हैं. हाँ जी, एनीबडी हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, ऑल क्लियर. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल.